हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपको हम हर एक चैप्टर के दो पार्ट में एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके क्लास ट्वेल्व चैप्टर नंबर वन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पी का पार्ट वन इस वीडियो में हम ट्वेंटी फाइव एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं आपको आंसर देना है जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और फिर उसका करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी तो आप उसको नोट करके ले सकते हो अगर आपका आंसर राइट right है तो खुद को प्लस वन मार्क्स देना और अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो जीरो मार्क्स देना और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके आज के सेशन में कितने मार्क्स आए तो इससे आप खुद को इवेलुएट कर पाओगे कि आपकी सीई की तैयारी एक्चुअली कैसे चल रही है चलो स्टार्ट करें ऑल द बेस्ट एवरीबडी लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन आर फाउंड आपके टेक्स बुक के एक ऑरेंज कलर के बॉक्स में से क्वेश्चन दिया गया है ठीक है फर्स्ट पेज पे पेज नंबर वन पे क्वेश्चन है कि रूट्स में रूट्स की मदद से रिप्रोडक्शन कौन से कौन से प्लांट्स में होता है तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया है यस yes, किसका किसका आंसर क्या क्या है देखो जरा डी में से चलो मैं आंसर बताती हूँ आप अपने टेक्स्ट बुक का ये कैन यू रिकॉल मैंने आपको बोला था कैन यू रिकॉल बॉक्स कभी नहीं छोड़ना है स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है तो देखो रूट की मदद से स्वीट पोटैटो एस्पेरेगस और डहलिया ये तीनों के तीनों प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी किसका किसका ये आंसर राइट है जल्दी से खुद के लिए क्लैप्स करो यस एवरीबॉडी परफेक्ट Let's move on to question number two. Time pass नहीं करेंगे, फटाफट देखेंगे इन ग्राफ्टिंग वॉट इज अटॉक का पार्ट है तो ग्राफ्टिंग में स्टॉक किसको बोलते हैं स्टॉक मतलब माल जमा करके नहीं रखना है स्टॉक यानी कि प्लांट का एक पार्ट है चलो टिक वन टिकटिक टू टिक थ्री यू गेट ओनली फोर्टी वन क्वेश्चन चलो आई होप आपने आंसर दे दिया है ये देखो ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है जो आपका रूटेड प्लांट होता है जिसका रूट ऑलरेडी जमीन से जुड़ा हुआ होता है उस प्लांट को हम स्टॉक बोलते हैं रूट स्टॉक टी टी ऐसे आप याद रख सकते हो और दूसरे प्लांट का जो आप बड वाला पार्ट लेते हो उसको हम स्की बोलते हैं सो द रूटेड पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज नोन एज स्टॉक ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी सी इज द राइट आंसर किसका किसका ये आंसर राइट था क्लैप फॉर योर सेल्फ रिमेंबर दिस ट्रिक इट विल हेल्प यू अलॉट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंथर इज जनरली कंपोस्ट ऑफ एंथर मतलब क्या होता है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर जिसमें आपके पोलन ग्रेन बनते हैं तो एंथर जनरली एनजीओसम स्पीशीज में कौन सी स्पीशीज में एनजीओसफॉर्म वाली स्पीशीज में कितने लोब्स का होता है कितने पोलन सैक होते हैं एंथर में दिया है एंसर जनरलीव ट मतलब ऐसा फोर चलो वेरी गुड क्लैप फॉर योर सेल्फ इफ योर आंसर इज राइट लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द गि लेबर्स ऐसा क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा सीईटी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी आता है चलो फटाफट से आंसर करो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर पी इज द आउटर लेयर इट इज एपिडर्मिस तो इसको एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी में यूज करो सिर्फ दो ऑप्शन में एपिडर्मिस दिया है तो ये दो कट हो जाएगा आता आंसर ए बी बात योर क्यू इनर लेयर है और ये एकदम अंदर का सेल है जो एकदम अंदर होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है यानी कि आर इज योर स्पोरोजिनस टिश्यू अभी ये भी और ये भी मैच कर रहा है तो अगर आप ये नहीं भी मैच करते हो ये कंफ्यूजन हो गया मैम मुझे समझा ही नहीं ये इंडोथीशिया है कि मिडल लेयर है तो अभी दो ऑप्शन अगर आपका राइट गया तो आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा यू कैन सी योर लेबल्स ओवर हियर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जिसका जिसका ये आंसर राइट गया है कमऑन क्लैप फॉर योर सेल

और ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा मतलब आपको पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कब मिलेगा मेच्योरिटी मतलब क्या एक माइक्रोस्पोर के अंदर दो पोलन ग्रेन तो ये मेच्योरिटी कब होती है आफ्टर टू माइटोसिस मतलब इसके अंदर दो बार माइटोसिस होगा एक बार वेजिटेटिव सेल बनेगा एक बार जनरेटिव सेल बनेगा दिस इज माइटोसिस वन और फिर इसमें सेकेंड माइटोसिस होगा तो इसमें जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल से आपको दो मेल गैमेट्स मिलेंगे इसको बोलते हैं मेच्योर मेल गैमेटोफाइट तो वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस ये देखो मियोसिस 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 वन वन मिला के टू एंड दो बार माइटोसिस होगा ये सेकेंड माइटोसिस ये फर्स्ट माइटोसिस तब जाके आपको मिलता है आपका मेच्योर मेल गैमेटोफाइट इसको तो दो बार रिपीट करके देखो तो आपको समझ जाएगा कैसे आएगा इसका ये आंसर ठीक है चलो जिसका जिसका ये आंसर राइट था एक्सीलेंट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक करेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग इफ देर आर 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब मेल वाला 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन प्लांट्स देन हाउ मेनी मायोटिक डिवीजंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 576 एप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स देखो अपने पास गिवन कंडीशन क्या है जिनको आंसर आता है वो लोग कमेंट करो बाकी लोगों को मैं सोल्यूशन बता रही हूँ मदर सेल जब एक बार मियोसिस करता है तो ये हमको चार माइक्रोस्पोर देता है कितना माइक्रोस्पोर देता है चार अभी हमने देखा ना एक बार मियोसिस करेगा तो चार माइक्रोस्पोर मिलेगा ये देखो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू मिला के वन मियोसिस होता है ये सेल डिवीजन में पड़ा था पार्ट वन एंड पार्ट टू मिला के एक मियोसिस तो जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक बार मियोसिस करता है तो आपको चार माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलते हैं वन इंटू वन वन आपके पास ट्वेंटी फोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो अगर ये ट्वेंटी टाइम्स मियोसिस करेगा तो आपको कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेंगे मल्टीप्लाई करो अभी इतना बेसिक मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए सो so बराबर ना और ये फाइव सेवेंटी सिक्स तो जब आप ट्वेंटी फोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ट्वेंटी फोर टाइम्स मियोसिस करेंगे ट्वेंटी फोर टाइम्स मियोसिस करेंगे तो आपको कितना माइक्रोस्कोर मिलेगा 576 तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा 24 फोर इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विध वेरी सिंपल सोल्यूशन यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर कॉमन सेंस ओके तो जिसका जिसका ये आंसर राइट आया है क्लैप फॉर योर सेल्स चलो आगे बढ़े बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जिनको आंसर आ रहा है फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर करो बाकी लोगों को मैं हेल्प कर देती हूँ

तो हमको कितने सेल्स मिलेंगे चार सेल्स मिलेंगे राइट वन टू थ्री फोर जब मियोसिस होता है तो हमने मियोसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या पढ़ा है आपका मियोसिस वन और मियोसिस टू मिला के आपका जो डिप्लॉयड सेल होता है उससे आपको सेल्स मिलते हैं अब बहुत सारे बच्चे इधर पे ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे बट दिस इज रॉन्ग क्योंकि मियोसिस में हमने क्या पढ़ा है आपके पास जितना क्रोमोजोम होता है उसका हाफ क्रोमोजोम आपके गैमेट में जाता है तो ये आपका पेरेंट सेल है पेरेंट के पास 40 क्रोमोसोम्स है तो 40 का हाफ कितना होगा 20 तो ये देखो मियोसिस में आपके पेरेंट के पास जितना क्रोमोसोम होता है आपके डॉटर्स के पास उसका एग्जैक्टली exactly हाफ जाता है तो पेरेंट्स के पास अगर 40 है तो डॉटर्स के पास कितना जाएगा 20 आप बोलोगे मैम 20 20 20 करके तो 80 हो जाएगा ऐसा काउंट नहीं होता है इसका मतलब आपको सेल डिवीजन नहीं आता है तो सेल डिवीजन चैप्टर जाके देखो तो आपको समझेगा कि जब आपका मियोसिस होता है तो एक्चुअली सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तो इधर देखो जब मियोसिस होता है तो आपको, में से चार में आपको 20 ट्वेंटी 20 मिलेंगे मतलब हाफ क्रोमोजोम मिलेंगे ह्यूमंस में ऐसा ही होता है ना अपने पास 46 सिक्स है तो जो गैमेट बनता है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं 23 23 23 23 ट्वेंटी थ्री साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह नहीं रहते ना जितना क्रोमोजोम है उसका हाफ रहता है गैमेट में तो पेरेंट के पास अगर फोर्टी क्रोमोजोम है तो डॉटर सेल्स के पास कितने होंगे ट्वेंटी क्रोमोजोम इन ईच सेल सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मुझे पता है ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा बच्चों का गलत आया होगा तो जिसका राइट है ईमानदारी से सिर्फ वो लोग वन मार्क्स काउंट करेंगे बाकी जीरो काउंट करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज सिंपल इन एनाट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल इज ये जो आपका ओव्यूल है

इधर पे, से है, पे, दो पे फीमेल बीच में आपको साउथ पोल से आता है सो दे कम फ्रॉम टू पोलार न्यूक्लिया जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस किधर से आया है दो पोलार न्यूक्लिया से तो जिसका जिसका ये आंसर राइट है खुद को मार्क्स दो जिनका नहीं है वो लोग चीटिंग नहीं करेंगे जीरो काउंट करेंगे चला

गैमेट फ्यूजन के बाद बनता है मतलब जायगोट जब डेवलप होता है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं एंडोस्पॉम ये तो अपने का खाना है फूड ऑफ द तो बचा क्या सैक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमेट होता है एग सेल होता है जनरली हाउ मेनी मेगा स्पोर्स टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखो आपका जो इमेच्योर ओव्यूल रहता है इसका ये पूरा पेरेंट कामा टिश्यू से बनता है पर जब डिफ्रेंसियन प्रोसेस होता है तो डिफ्रेंसियन प्रोसेस में अंदर सारे के सारे पेरेंटमा टिश्यू डी हो जाते हैं सब इंटीगुमेंट वगैरह बन जाता है सिर्फ बीच में एक या दो मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं उसमें से एक ही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है और उसमें से जो चार सेल बनते हैं उसमें से तीन मर जाते हैं ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर टेक्स पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखो ओनली वन मेगा स्पोर टूवर्ड्स द सेंटर इज फंक्शनल मेगा स्पोर इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट चलो फटाफट से अभी ये तो सबको आना चाहिए पी एंटीपोड सेल क्यू पोलर न्यूक्लिया आपको इसमें से बताना है विच टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इंडोज न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे मिलता है बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट तो इससे आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलेगा ये क्या है आपका क्यू Q. क्यू so Q से आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलेगा जब इसके पास मेल गैमेट आके फ्यूजन करेगा बाकी सब हेल्पिंग सेल्स है प्राइमरी एंडोस्पर्म कौन बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस नेक्स्ट नाउ दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन

सिंपल पर यह चीज भी नहीं आएगी बच्चों को क्योंकि उनका बेसिक्स वीक है इसीलिए टीचर बार बार बोलती है वन शॉर्ट लेक्चर देखो टेक्स्ट बुक रीड करो जिसका जिसका राइट है क्लैप करो खुद के लिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन अभी ये तो तुम खुद से पढ़ के बताओगे इट इज मोस्ट इकोनॉमिक मेथड जेनेटिक स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स एलिमिनेट होते हैं क्या नहीं रेक्टर भी बार बार रिपीट होंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है करेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आपको न्यू वेराइटी नहीं मिलती है इट डॉट फेवर इवोल्यूशन सो ओनली ऑप्शन नंबर वन टू एंड फोर आर करेक्ट थ्री एंड फाइव आर इन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलस हाइड्रो मतलब वॉटर अनिफिलस मन लविंग तो इसमें से कौन से प्लांट्स आपके वॉटर लविंग प्लांट्स हैं यस जोस्टेरा इज कंपल्सरी वॉटर लविंग लोटस इज वॉटर लविंग देखो इधर पे जोस्टेरा इज हाइड्रोफिलस बाकी सारे भी हाइड्रोफिली है ठीक है बट बाकी सारे इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन करेंगे या विंड की मदद से करेंगे प्योर वाटर अगर देखा जाए तो ओनली जोस्टेराइज है सिर्फ प्योर वॉटर डायरेक्टेरा करता है बाकी सब इंसेक्ट या विंड की मदद से करते हैं ठीक है Next. Condition seen in papaya prevents what? मतलब क्या होता है यूनिसेक् अगर आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा नो सो डायशियस कंडीशन इट विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन मंजे ये ऑटोगेमी भी नहीं होने देगा और जिटोनोगेमी भी नहीं होने देगा बिकॉज बोथ द टाइप्स आर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इट इट प्रिवेंट्स सी इट इज अ डायशियस प्लांट यानी इट इज यूनिसेक्सुअल तो इट विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं ओके चलो इट विल प्रिवेंट ऑटोगेमी एज वेल एज जिटोनोगेमी नेक्स्ट क्वेश्चन इन कैलोट्रोपिस पेंटेगुलर स्टिग्मा इज पोजिशन अब एंथर मतलब स्टिग्मा ऊपर है और एंथर नीचे है पर्पल कलर का एक फ्लावर दिखाया था मैंने लेक्चर में तो ऐसा टाइप का मैकेनिज्मता है इसको कौन से टाइप का आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकलेगा वो नीचे गिरेगा ऊपर तो जाएगा नहीं तो ये कौन से टाइप का पॉलिनेशन है सॉरी आउ, आउटब्रीडिंग डिवाइस है इट इज हरको गेमी इसमें स्टिग्मा ऊपर रहता है एंसर नीचे रहता है देखो ऐसा फ्लावर याद आया आंसर so क्या आएगा ए वेरी गुड दो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन पोलन पिस्टल इंटरक्शन अभी इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है सबसे पहले आपका स्टिग्मा है स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन अटैच होता है सो so, सबसे पहले क्या आएगा डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा मतलब स्टेप नंबर टू विल बी फर्स्ट ये और ये ये कट कर दो ये कट कर दो ओनली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अभी इसमें से कौन सा राइट है एक बार अटैच हो गया तो उसके बाद आपके पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है फिर ये पोलन ट्यूब बनाना चालू करता है देखो पहले अटैचमेंट होगा फिर जर्मिनेशन होगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब ऑप्शन नंबर फोर टू के बाद क्या आएगा फोर दिस इज ऑल्सो करेक्ट जर्मिनेशन करने के बाद ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इंटू दूल सो ऑप्शन नंबर फाइव स्टेप हो गया ना दिस इज द करेक्ट आंसर एक बार ओव्यूल के अंदर गया तो यह पोलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर जाएगा इट विल एंटर इंटू द एम्ब्रिय और फिर अंदर जाके ये अपना सी इट विल एंटर इंटू द एम्ब्रिय एक्ट और फिर अंदर जाके ये अपना मेल गैमेट्स रिलीज कर देगा सो दिस इज हाउ योर पोलन पिस्टल इंटरक्शन टेक्स प्लेस जिसका जिसका आंसर राइट right है प्लीज क्लैप फॉर योर सेल एंड काउंट वन मार्क व्हाट इज द फेट फेट मतलब क्या होता है डेस्टिनी किस्मत सो व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज्ड इन द सिनर्जिड आपका ये एम्ब्रियो सैक है इधर पे जब मेल गैमेट आता है सिनर्जिड के पास तो वो सिनर्जिड का पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सो वन फ्यूजेस विद द एग अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस नो एक मेल गैमेट एग के पास जाएगा और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा द अदर फ्यूजेस विद्रल से एग अदर डीट इन दस इनर्जी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग देखो आपका पोलन ग्रेन आएगा इधर से किधर गया है अच्छा डायरेक्ट बताया ओके नो प्रॉब्लम सो आपका जब मेल गैमेट आता है तो मेल गैमेट एक मेल गैमेट सिनरजिट के पास अंदर जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है सो यू गेट एग एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अभी ये तो ए क्वेश्चन है बोर्ड में भी आ चुका है अगर आपका पोलन ट्यूब डायरेक्ट चलाजा से एंटर करेगा तो ऐसे टाइप के एंट्री को क्या बोलते हैं चलाजोगेमी क्या बोलते हैं चलाजोगेमी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देख के जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म इट हैज 24 क्रोमोसोम्स देखो ये तो मैं कितनी बार बता चुकी हूं एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड रहता है इसके पास 24 क्रोमोसोम्स हैं तो पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करो 24 3 इधर आ जाएगा अपॉन 3 तो n का वैल्यू क्या आया 8 अब देखो क्या फाइंड आउट करने बोला है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेगास्पोर मदर सेल मेगा स्ोर मदर सेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड सो टू इंटू एन एन की वैल्यू क्या है एट सो आंसर क्या आएगा सिक्सटीन सो वॉट क्रोमोसोम नंबर इन मेगा मदर सेल सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट द लोअर टायर ऑफ ऑक्टेट गिव्स राइस टू देखो जब आपका येगोड है जायगोट से प्रो एम्ब्रिय बनता है अभी ये जो प्रो एम्ब्रियो है यह आगे जाके सेल डिविजन दिखाता है और ये ऊपर के चार सेल्स अलग दिस इज अपर टायर और ये नीचे के चार सेल्स अलग दिस इज लोअर टायर और ये आपके सस्पेंसर सेल्स हैं ठीक है ठीके? ऐसे पूरा एक चेन बनता है तो ये जो लोअर टायर के सेल्स है ये सेल्स आगे जाके क्या बनाते हैं रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल क्या बनाते हैं रूट एंड रेडिकल सी जो लोअर टायर के सेल्स हैं, ये क्या बनाते हैं दे गिव राइज टू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल यस ये देखो ये लोअर टायर के सेल्स क्या बनाएंगे आगे जाके ये ऑरेंज वाले सेल्स फॉलो करो हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऐसे अपर टायर का भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेबल्स पी क्या है क्यू क्या है सी वॉट इज क्यू क्यू इज योर वॉट इज पी एंड वॉट इज क्यू इज यिडोन मोनोकॉटिलिडोन को हम क्या बोलते हैं स्कूटेलम डायरेक्ट आंसर मिल गया सी दिस इज ऑप्शन मैच कर रहा है आगे पता करने की भी जरूरत नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सॉल्व करके अपना टाइम आगे के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो सो so, इसका राइट right आंसर क्या आएगा बी बाकी का लेबल्स आप इधर से मैच कर लो यस ओके द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है इधर पे दो न्यूक्लियस है इधर पे एग के पास एक न्यूक्लियस है दिस इज एग दिस इज सेकेंडरी तो एक मेल गैमेट इधर जाता है एक मेल गैमेट इधर जाता है तो इधर टोटल कितना न्यूक्लियस हो गया तीन वन टू थ्री इधर कितना न्यूक्लियस हो गया दो सो थ्री प्लस टू कितना न्यूक्लियस हो गया फाइव न्यूक्लियस कितना न्यूक्लियस हो गया फाइव आई होप आप लोगों को ट्वेंटी होंगे जल्दी जल्दी सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करो और अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो समझ में आई है और आपको इसका पार्ट टू अगर जल्दी चाहिए तो जल्दी जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और वापिस से रिविजन करो क्योंकि अब जल्दी से इसका मैं पार्ट टू अपलोड करूंगी जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट्स होंगे उतना जल्दी मैं इसका पार्ट टू वीडियो लेकर आऊंगी और पार्ट टू में सिर्फ और सिर्फ 2023 के रहने वाले हैं। सो कमेंट योर मार्क्स नाउ एंड कम्युनिटी पोल डेली चेक करो उसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिल जाती है बाय बाय एवरीबडी ऑल द बेस्ट टेक केयर अच्छे से पढ़ाई चालू रखो याद रखो अभी नहीं तो कभी नहीं एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मॉक टेस्ट ऑन अवर ज्ञान लैब एप बाय बाय टेक केयर